तो गाइस ये रो रही है। भाई ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो गाइस ये रो रही है क्योंकि इनके सिस्टर ने इनको मना कर दिया है कि मेरे घर पे मत आना। तो आप देख सकते हो ये रो रही है। ये मेरे रियल के आंसू हैं, तो गाइस ये फेक आंसू है। फेक नहीं है वो। मुझे ना किसी के पास सहन नहीं होती है, बहुत जल्दी मेरे दिल पर अटैच हो जाती है, तो इसलिए मुझे बुरा लग जाता है और मेरा मन जो है, दिल बहुत कमजोर है। तो प्लीज आप लोग भी मुझे कोई गलत कमेंट ना करें। तो गाइस प्लीज मैं आपसे अपील करता हूँ, इसी कमेंट में रीप जरूर लिखें, ज्योति रीप। मैं अभी तैयार हो चुकी थी और मेरी मम्मी ने झूठ झूठ बोल दिया कि इसने मना कर दी है, वो तुझे नहीं बुला रही। और मैं रोने लग गई कि उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी बहन ऐसा कहीं कह नहीं सकती। तो इसलिए मैं रो गई। मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ फ्रेंड। तो आप कमेंट करके बताना आप भी ऐसा करते हो क्या, और वहाँ जाने का एक रीज़न है क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग अपलोड करने होते हैं। हमारे यहाँ वाईफाई नहीं है, फिर बाज़ार में भी वाईफाई नहीं है और रिचार्ज कराना पड़ता है। तो अगर एक ब्लॉग अपलोड करते हैं तो काफ़ी सारी हम भी जाती हैं, तो मैं अपने कंटिन्यू 3 ब्लॉग बना लेती हूँ। और जब मेरे 3 ब्लॉग बन जाते हैं तो मैं अपनी बहन के घर से ले जाती हूँ अपलोड करने। तो बस यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग अपलोड करने जा रही थी। तो फ्रेंड चलो मैं अपनी बहन के घर से आप जाकर वहाँ मिलती हूँ। तो मुँह उतर चुका है और मेरा भाई नहीं मेरे साथ होता है, जिसमें विश्वास होता है धोखा देता है। मेरे भाई ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। आज ये पार्टी करेगा कि कोई नहीं, अकेला जाना चाहिए। तो आज मैं अकेली जाऊंगी और इसे दिखाऊंगी मैं सकती हूँ। तो फ्रेंड चलो चलते हैं, जर्सी पहन लेती हूँ। और टाइम देखिए 4 बजने वाले हैं और इसके चक्कर में मैं 2 बजे तैयार हो चुकी थी और 2 से 4 बज चुके हैं। पहले इसने मुझे कहा कि मैं चलूंगा चलूंगा और बाद में लास्ट टाइम पर इसने मना कर दी, मैं नहीं जाने का नहीं जाने का। इस वजह से मैं रोने रोने लग गई। और बस मैं क्या बताऊं, सभी का भाई तो हमें मेरा भाई कैसे करता है, देखिए कितना आराम से बैठा है इस टाइम। तो फ्रेंड देखिए इसके ना जाने का नतीजा, मेरा बैग उठा कर लेकर आ रहा है। तो चलते हैं हम, ये मुझे रिक्शा में बैठा देगा और फिर मैं बस में बैठ जाऊंगी। ये सोच रहा था कि मैं अकेली नहीं जा सकती, पर मैं अकेली भी जा सकती हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी बहन के घर सीधा। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं घर और टाइम, ये है मेरी दीदी का घर और ये प्यारा सा डॉग। हेलो, तो फ्रेंड अब मैं कर रही हूँ मेकअप अपना। अब पता नहीं क्या छोक दिया इन्होंने। थोड़ा सा मैं नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ, हम जा रहे हैं शादी में और यहाँ मेरी बहन तैयार हो रही है। तो इनके यहाँ पर फंक्शन था तो इसलिए मैं शादी में जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको।